सो गाइस देखो, आज के इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में जो गाइस आप लोग के मेल बॉक्स के अंदर रिसीव हुआ है। ठीक है जी, काफ़ी सारे लोगों के मेल बॉक्स के अंदर इस टाइप का मेल आ रहा है। ठीक है, और इस मेल में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर आपको भी ये मेल आया है तो ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा कि आखिर ये मेल क्यों आया है, इसका मतलब जो आया है इसका कारण क्या है, ये मेल में क्या लिखा हुआ है, क्या आपको बोल रहा है। ठीक है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले एकदम से चैनल पे नहीं है फिर पहली बार हो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिस मिल सके सबसे पहले। तो चलिए यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं इस मेल के बारे में कि ये मेल में आखिर क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे डिमांडेड योर, ठीक है, सब डोमेन ब्लॉग विल बी प्रोमोट टू द डोमेन लेवल इन 3 days। यानी कि यहाँ पे बोला रहा है ये देखो, अगर आपका गाइस कोई भी डोमेन लिया हुआ, जैसे कि देखो अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट होगा तो आपका वेबसाइट का नाम होगा जैसे कि gameskill.in, ठीक है, gameconsole.in, ठीक है, .com, ठीक है, इस टाइप से आपका अगर वेबसाइट होगा तो आपका जो डोमेन होगा ना, तो अगले बार से आप लोग डोमेन को परचेस कर पाओगे। ठीक है, अगर गाइस मान के चलो अगर आपका डोमेन में लिखा होगा gameconsole.blogspot.com नहीं रहता है, ठीक है, उस टाइप का अगर होगा तो 3 दिन के अंदर के बाद आपका जो एडसेंस होता है वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको एडसेंस का जो अप्रूवल होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में गाइस मैंने आपको बता दिया कि आखिर इस मेल में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोग खुद यहाँ पे पढ़ भी सकती हो। अगर आपको इसका और जानकारी चाहिए तो आप लोग जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो या फिर गूगल में आप लोग जाके पढ़ भी सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस मैं जो इसका मेन बात है मैं आपको बस वही समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस कहीं आप लोगों को यही बोला, सब डोमेन का मतलब कहीं वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही होता है। ठीक है, जो सब डोमेन होता है यानी कि कहीं जो हम लोग का .in हो गया, .com हो गया, ये सब होता है। ठीक है, और जो गाइस हम लोग का ब्लॉग स्पॉट वो सब होता है तो वो सब डोमेन नहीं आता है। इस कारण से बोला कि 3 दिन के बाद जिससे इसका एक्सचेंज हो रहा है वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका लेना चाहते हो, अगर आपका ब्लॉग स्पॉट होगा तो आप लोग यहाँ से जो .com वगैरह होता है वो परचेस कर लेना। ठीक है, गाइस कुछ भी नहीं था इस वाले वीडियो के अंदर, बस इतना आपको मैं मैसेज देना चाहता था। तो ये कोई इतना भी खास ये नहीं है, अगर आपका ब्लॉग और वेबसाइट उड़ा है तो अगर आपका .in नहीं लिया हुआ है तो आप लोग ले लेना, अगर है तो टेंशन मत लो, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जिसका नहीं है वो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इस वाले वीडियो के अंदर, जो भी था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो अंदर, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।